पोपट हो गया हमारा पोपट ये वाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है मकर संक्रांति और अभी अभी मैं सो के ही उठी हुई हूँ। अभी भी मैं रजाई में ही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन और अभी सब लोग नहा भी रहे हैं तो बाथरूम भी खाली नहीं है। और अभी बज रहा है सुबह के 8, एक्चुअली 8 बजने में अभी 15 मिनट कम ही है। लेकिन फिर भी एज अ फेस्टिवल मैं बहुत लेट से सो के उठी हूँ, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मैं रात को मेडिसिन लेके सोती हूँ और मैं सुबह में काफ़ी देर तक सो ही रह जाती हूँ। लेकिन अभी चलते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार पूजा उजा करते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। और भगवान जी भी कितने निर्दयी से हो गए हैं, अभी तक धूप नहीं निकली है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। तो चलिए जब तक मैं नहाती हूँ, क्या पता तब तक भगवान जी थोड़ा सा धूप वगैरह कर दे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं नहा धो के चली आई हूँ और तभी मेरा बाल बहुत ज़्यादा भीग गया, मैंने टॉवल लपेट रखा है। मैं बाल सुखाती हूँ, उसके बाद से फिर हम लोग चलते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद मैं आगे की चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ठंडी में मम्मी ने बिस्तर वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है, अच्छे से रख दिया है। और अभी ये सब थोड़ा सा चेयर पर ही है, लेकिन ये सब भी अभी थोड़े देर में ठीक हो जाएगा जब सब लोग नहा धो लेंगे, अपने काम कर लेंगे। और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ आज खिचड़ी है, तो खिचड़ी में हम लोग ये चीज़ें सूर्य भगवान के सामने रख के दान करते हैं, छूते हैं और उसके बाद से पंडित जी को ले जाके देते हैं। तो मैंने अपनी पूजा की भी तैयारी कर ली है। ये है लाई जो यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये है तिल की लाई, ये है लड्डू और शायद गांठ वाली हल्दी नहीं थी तो मम्मी ने नमक और हल्दी को ये यहाँ पर पेपर में फ़ोल्ड कर दिया है। ये है गोभी और ये है जल, अगरबत्ती भी मैंने ले ली है। तो अब मैं ये सारी चीज़ें पूजा करूँगी तो वहाँ पे ले जाके छूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना बाल सुखा लिया, अभी मैंने कॉम्ब नहीं किया है, बाल थोड़ा सा गीला ही है तो गीले बालों में अगर कॉम्ब करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा टूटता है, ऑलरेडी ऐसे इतने ज़्यादा झड़ रहा है। और मैंने ऊपर से ये वुलन कुर्ती भी डाल ली है ना। अब हम चलते हैं पूजा करने। और चलिए मैं आप सबको अपना मंदिर भी दिखाती हूँ कि मेरा मंदिर अभी कैसा है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं। सो आ गई हूँ मैं मंदिर में और ये देखिए ये है मेरा मंदिर। लगता है आज अभी तक किसी ने पूजा नहीं किया है, सो आज मैं ही फर्स्ट हूँ। मैं अपना पूजा कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पूजा कर ली है, दिया जला दिया है, इसके बाद मेरे मंदिर को आप लोग एक बार देख लीजिए। और चलिए आज बाहर का भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ, बाहर का एटमॉस्फियर भी देख लीजिए। धूप निकलने के आसार तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और अभी धूप तो नहीं निकली है लेकिन मौसम साफ हो गया है। ये देखिए बाहर मेरे पेट को गेट पे ही है ब्रूनो। मैंने यहाँ पे भी पूजा कर ली है और मैंने यहीं पे छू के थोड़े देर के लिए छोड़ दिया है, अभी मैं नीचे जाऊँगी तो इसे ले जाऊँगी। आइए मैं आपको अपने फ्लावर्स दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा इसमें 3 फूल थे लेकिन अभी 2 ही हैं, एक किसी ने तोड़ लिया। इसमें एक ये है और एक अभी ये निकल रहा है। और ये देखिए ये अब जितना खिलना था खिल गया, नीचे से अब ये ख़राब हो रहा है, इसके पेटल्स जो है वो अब सूख रहे, रफ हो रहा है, बट इसके नए नए फूल और भी निकल रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये फूल इतना भारी हो गया है अपने पौधे के अकॉर्डिंग कि लटक जा रहा है, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है ना, इतना बड़ा बड़ा सा। और इसमें अभी बर्ड्स हैं, धूप हो तो ये फूल भी खिले, धूप हो ही नहीं रही है कि ये फूल खिल पाए अच्छे से। और मैं आपको अपना रोज़ दिखाती हूँ। ये देखिए ये है मेरा रोज़, इसमें ये एक सूखा पत्ता गिर गया है, ये है मेरा रोज़। बताइए आप लोग को कैसा लगा ये रोज़, ये जब खिल रहा था ना
तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अभी तो ये पूरा ही खिल गया है, सुंदर तो अभी भी लग रहा है लेकिन वो थोड़ा होता है ना कली टाइप वाला, वो वाला लुक दे रहा था। और इसका कलर कितना सुंदर है तो देख सकते हैं। अभी इसमें कोई बर्ड्स नहीं है, छोटा पौधा है ना, एक ही दो बर्ड्स थे, एक खिल चुका था जब लाया था तभी और एक ही है। और ये भी मेरा अच्छे से ग्रो कर रहा है, हालांकि नीचे से बहुत घना हो गया है लेकिन अब ये फूल वगैरह दे तब मैं जानूँ। और ये जो मैं स्कूल से ले आई थी ये देखिए, ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है, इसमें भी थोड़े नए नए से लीफ आ गए हैं। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, बट आ गए हैं। तो ये था मेरा गार्डन, छोटा सा मैंने कुछ पौधे लगा रखे हैं। और अभी थोड़ा सा सूरज का गोला दिखा था लेकिन अभी वो भी छिप गया, बादल काफ़ी लगे हुए हैं। सो चलिए चलते हैं नीचे और नीचे सबको विश करते हैं, उसके बाद मैं अपनी मेडिसिंस भी ले लूँ, उसके बाद आगे के प्रोसेस में आपको दिखाती हूँ। और कर दिया मैंने दरवाज़ा बंद। फ्रेंड्स मैं नीचे आ गई थी, मैंने अपनी मेडिसिंस ले लिए और रूम इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स रूम इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है, हम लोग लेट से सो के उठे थे तो ये कुछ भी अच्छे से तय करके नहीं रखा गया है। ये सारी चीज़ें, मेरा पर्स भी मम्मी ने कबर्ड से निकाल के ऐसे बेड पर फेंक दिया है और ये सारी चीज़ें भी अभी यहीं पर रखी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना रूम साफ़ करते हैं, अपने बाल को सीधा करते हैं, उसके बाद से फिर मैं रूम से बाहर जाके सबको विश करती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स मैंने अपना बाल भी सीधा कर लिया है अच्छे से सुखा के, एंड देन ठंडी बहुत ज़्यादा तो मैं गई किचन में और अपने लिए चाय लेके आई बना के। रूम को भी अच्छे से साफ कर दिया, ये देखिए सारे बिस्तर मैंने तय करके इधर रख दिए हैं। ये सारी चीज़ें बिखरी थी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती थी। और बाकी सारी चीज़ें ये मम्मी ने मयंक के लिए ला के रखा, मयंक नहा के आएगा तो ये सब छुएगा। सो अभी तो सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, जब सब लोग नहा धो के आ जाएं, अपना पूजा पाठ वाला काम ख़त्म कर लें और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको वन बाई वन करके दिखाती रहूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हिमांशु और ये मेरे रूम में आके बस अपना बॉडी वॉडी देखते रहता है। ये देखिए मंसू, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। और दिख गया फिटनेस वगैरह, दिख गया या फिट हो गए हो, दुबले हो गए हो, और क्या एकदम देखो मेरे अच्छे। दादी हैप्पी खिचड़ी, ठंडा बाटे वो ढेर लगा था आज, एकदम बार और धो ले बाड़ू। सो दादी मेरी कह रही है कि कल धूप था और अभी तक आज धूप नहीं निकला है। अरे हम नहाती नहीं आ रही है ना, देखिए ब्लॉग में आप आ रही हैं। सो मैंने दादी को विश कर दिया, हिमांशु को विश कर दिया, चलिए चलते हैं बाकी लोगों को भी विश करते हैं। पिंपी दी हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। ये देखिए ये है मेरी दूसरी वाली आंटी, एकदम वन ठन के तैयार होके बैठी हैं। और ये है मेरी दीदी विश करते हुए। और फोटो वगैरह क्लिक हो गया? नहीं, ये देखिए ये फोटोज वगैरह ले रही हैं अपनी। चलिए बाकी लोगों को विश करते हैं। और ये देखिए ये चुन्नू नहा धो के आया है, तैयार हो रहा है, हैप्पी मकर संक्रांति। बाबू चाचा हैप्पी मकर संक्रांति, अरे हैप्पी मकर संक्रांति, व्लॉग में आ रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक, डाल दो डाल दो। सो अभी तक जितने लोग नहा धो के तैयार हो गए थे, अपने अपने रूम में आ गए थे, मैंने सबको विश कर दिया। मम्मी और आंटी अभी गई हैं नहाने, वो लोग भी आ जाए, फिर मैं उन लोगों के साथ भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लोग मम्मी और बेटे मिलके फ़ोटो शूट करा रहे हैं। और ये है हमारी कैमरामैन, फ़ोटो शूट कर रही हैं।
मेरे साथ तो इन लोगों का फोटो सेशन हो गया है, अब ये लोग अपने में फोटो सेशन ले रहे हैं और अभी तक इन लोगों का फोटो सेशन चल ही रहा है। और अब कैमरामैन बने हैं हमारे हिमांशु भैया और ये देखिए अच्छी अच्छी फोटोज़ ये निकाल रहे हैं और ये लोग पोज भी काफ़ी अच्छे दे रहे हैं क्लोजनेस वाले। और ये देखिए ये आंटी अभी तक वेट कर रही हैं, बाथरूम अभी भी खाली नहीं है। कब नहाएंगी आप, कितना टाइम लगेगा आपको नहाने में? अच्छा ऐसे नहीं होगा, जाइए नॉक करिए, जल्दी निकलिए तब जाके खाली होगा आज। सो चलिए चलते हैं। ये देखिए ये हमारी मम्मी अभी पूजा कर रही हैं, मम्मी पूजा कर ले उसके बाद मम्मी को विश करते हैं। मम्मी यहाँ पे आ गई हैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए। और ये सूरज का गोला अब तो दिख रहा है लेकिन अभी भी अच्छी वाली तेज वाली धूप नहीं निकली है। और ये देखिए ये हमारा पेट बाहर से भी घूम के आ गया है। ब्रूनो ये देखिए ये है अन्वय, ये अभी अभी कॉल करके मुझसे कह रहा है कि मैं कब आऊँ ब्लॉगिंग करने, तो अब ये भी आ रहा है। जल्दी आओ, एक्चुअली मेरे ब्लॉग सबको बहुत अच्छे लगते हैं और सब बहुत ज़्यादा मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए ये फटाक से अपने गेट से निकल के मेरे गेट में घुस गया। सो चलिए चलते हैं, ये आ गया ऊपर। हैप्पी मकर संक्रांति। अभी तो हम लोग पतंग वगैरह उड़ा नहीं रहे, धूप हुई नहीं है लेकिन हवा तो तेजी चल रही है। हाँ पतंग लानी पड़ेगी। पतंग लानी पड़ेगी, लाए हो पतंग? नहीं। क्यों लाए नहीं हो तो कैसे उड़ेगा? अरे यार एक पतंग के लिए पापा के पास पैसा नहीं है। पापा मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? पतंग नहीं उड़ाना है आज के दिन, पतंग उड़ाना शुभ होता है। ठीक है अभी चुन्नू भैया लाएंगे तो फिर हम लोग उड़ाएंगे। सब लोग तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं व्लॉग में, हाय कर दो सब्सक्राइबर्स को। हाय, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। माय नेम इज अनवय नंद्रा, आई एम रीडिंग ग्रेड 7। माय स्कूल नेम इज योगा किड्स एंड इंटरनेशनल स्कॉलर्स स्कूल देवरिया। और क्या क्या किए हो घर पे सुबह से उठ के? वेट कर रहे थे कब दीदी के घर जाएं और जल्दी से व्लॉगिंग वगैरह करेंगे, ये ना? हाँ एक घंटा हो गया। एक घंटे से वेट कर रहे थे, मुझे लगा कि और भी जाके स्टार्ट किए होंगे। ये क्या था? कुछ नहीं। तो चलते हैं हम लोग नीचे, चलते हैं। हाँ तब तक आग वगैरह जलाते हैं, हाथ वगैरह गर्म करते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग धूप हो जाए तो उसके बाद से चलते हैं ना। चुन्नू भैया को भी बोल देते कि वो जाए पतंग वतंग लेके आए। दो तो पतंग लानी पड़ेगी ना, एक ही उड़ाया जाएगा कई बार, एक ही उड़ाया जाए। तो चलिए चलते हैं नीचे। वाह ये सीढ़ी पे मम्मी मिल गई अन्वय से और इसको विश करने लगी। मम्मी को विश कर दिए? अरे हैप्पी मकर संक्रांति। बस मम्मी का प्यार ले लेते हो फिर देर में याद आता है तो मम्मी को विश करते हो। यस चलते हैं। तो और ये देखिए ये है हमारे उमा चाचा, लकड़ियाँ काट लिए हैं आग जलाने के लिए। हवा कितनी तेज है देख रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग पत्ते वगैरह कितना ज़्यादा हिल रहे हैं। तो अब ये लकड़ियाँ अच्छे से दिखा दीजिए, सिहारेंगे उसके बाद। मैं घर तो दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। ये देखिए ये है सामने अन्वय का घर, कितने ज़्यादा कपड़े सूख रहे हैं, लटक रहे हैं इनके घर पे। काफ़ी टाइम से इनके घर के कपड़े लग रहा है सूखे नहीं थे। सूखे थे वो बस धूला गया है तो। ओ तेरी मम्मी। और ये देखिए बंदर भी आ गया। जल्दी फोन करके बोल। और ये देखिए लकड़ियाँ सहारने के बाद चाय का आनंद लेते हुए, और यहाँ पे हमारा ब्रूनो भी आराम करने लगा, काफ़ी थक गया है।
और हम लोग मिट्टी के तेल से अपना आग वगैरह नहीं जलाते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो भी हमारे घर के वेस्ट मटेरियल से, जैसे कि ये प्लास्टिक है, सामान वगैरह आता है, तो हम लोग इसी को ऐसे आग में डाल के जला लेते हैं। हवलाल ना वे वो कॉफी एक पे परवा सो फ्रेंड्स, ये देखिए उमा चाचा ने सिर्फ दो प्लास्टिक को जला के ही अच्छा खासा आग लगा दिया, मतलब आग जला दिया। और लकड़ियाँ भी काफ़ी सूखी थी तो इजीली ये पकड़ भी ली हैं आग को। कहाँ चली गई थी? हम तो तब से यहीं पे बैठे हुए हैं, तुम ही तो चले गए थे ऊपर। हम सबसे ऊपर देख लिए, सबसे और सबसे नीचे भी देखे हैं बालकनी में। ये देखिए, मैं यहीं बैठ के आग जला रही थी और ये मुझे ऊपर तक ढूंढ के चला है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आग जलने शुरू हो गई है। अच्छा खासा आग जल गया है। नहीं, अच्छा खासा आग नहीं जला है, इतना धुआं आ रहा है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, बस एक तो खाऊंगा। और ये देखिए, ये मेरी मम्मी नहा धो के आ गई हैं। आज हमारे यहाँ तिल की लाई खाते हैं लोग, यूपी साइड में ये बहुत फेमस है, तो ये मेरी मम्मी दे रही हैं कि एक लो तुम भी खा लो। हैप्पी मकर संक्रांति मम्मी। और इधर अनवे भी लाई खा रहा है। काटने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कड़ा रहता है ना थोड़ा। कैसा लग रहा है, टेस्ट में कैसा है ये बताओ? टेस्ट में अच्छा। अच्छा है? यस। ये देखिए, ये मम्मी ने चाय ले आके ऐसे सोफे पे ही रख दिया है, काफ़ी हार्ड गद्दी है तो वो टिका हुआ भी है। तो अब हम सब लोग चाय इंजॉय करते हैं, उसके बाद से फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। सो आ गए हैं हम किचन में और आज हमारे घर खिचड़ी बन रही है। तो मम्मी ने सबसे पहले बड़े वाले भगोने में थोड़ा सा तेल और बहुत ढेर सारा ये घी डाल दिया है। तेल और घी गर्म हो जाए, उसके बाद से मम्मी ने अलग से निकाल के यहाँ पे जीरा रखा है और यहाँ पे ये अदरक, सग्गा प्याज और मिर्चा, नींबू, ये सब चीज़ें वो काट रही हैं। उसके बाद से तब तक तेल गर्म हो रहा है, ये तेल गर्म हो जाए तो फिर ये सारी चीज़ें मम्मी डाल देंगी। मम्मी, आपको खिचड़ी ऐसे तो पसंद नहीं है, लेकिन खिचड़ी के दिन वाली खिचड़ी अच्छी लगती है ना आपको? आज ही के दिन की मम्मी खिचड़ी भी खाती हैं, इनको ऐसे खिचड़ी पसंद ही नहीं है। मम्मी, इसमें मटर डालेंगी? अच्छा, ये उड़द की दाल है। और ये मम्मी का तड़का तैयार हो गया है और इसमें मम्मी हरे हरे सुंदर सुंदर मटर को भी डाल रही हैं। इतने सुंदर मटर भी क्या सोच रहे होंगे कि मैं आज फ्राई हो रहा हूँ। और ये मम्मी पहले से ही आलू गोभी को फ्राई करके रख ली थी ताकि इजीली ये भगोने में कुक हो जाए, तो मम्मी अब इसी में इन सब्जियों को भी डाल देंगी। अब मम्मी इसमें हल्दी, नमक वगैरह ये सब चीज़ें डाल रही हैं। हाँ, कल लगा। और अब अच्छे से इसको फ्राई कर रही हैं एंड देन ये जब थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके ऐसे मम्मी ये उड़द की दाल और चावल एक साथ डाल के ढक देंगी, थोड़ी देर के बाद हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। सो अनवे बताओ, क्या बताओ? सुनो भैया को हम लोगों ने बोल दिया है पतंग लाने के लिए, वो पतंग ला रहा है। मैं हाँ, पतंग ला रहे हैं। हाँ, चुन्नू को हम लोगों ने बोला है कि जाओ यार पतंग लेते आओ, तो वो गया है पतंग लेने के लिए। तो पतंग आ जाए, उसके बाद से फिर हम लोग जाएंगे ऊपर और उसके बाद से हम लोग पतंग को उड़ाएंगे, है ना?
हेलो ऊपर जाएंगे। कितना एक्साइटेड हो पतंग उड़ाने के लिए? सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं ही हूँ। हाँ आए हो तब से तुम पतंग के लिए कई बार। हाँ और नहीं तो क्या, सही मैं एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज्यादा ही क्या कि मैं क्या तोड़ रहे हो तुम, पैर मुड़ जाएगा उस पर। सो फ्रेंड्स ये देखिए अच्छी खासी धूप निकल गई है अभी, और ब्रूनो गया है बाहर दौड़ने के लिए। हाँ ब्रूनो गया है बाहर दौड़ने के लिए दौड़। हाँ सो मैं भी बाहर आ गई हूँ, धूप निकली हुई है और मैं यहीं पे चेयर लेके बैठी हुई हूँ ताकि चुन्नू आए जल्दी से, तो मैं यहीं पे जल्दी से उससे पतंग ले लूँ क्योंकि अनवे बहुत ज़्यादा वाला एक्साइटेड है पतंग उड़ाने के लिए। और मेरे घर में तो सबका लगता है क्रेजी मर चुका है पतंग वगैरह को लेके, लेकिन खैर अनवे की वजह से थोड़ा बहुत इस बार पतंग उड़ा लेंगे। हाँ नहीं हाँ चुन्नू गया है अभी, पता नहीं लेने। पता नहीं किस साइड गया है लेकिन गया। हाँ तुम बाइक लेके चले गए थे। सो ये देखिए चुन्नू पैदल ही गया था पतंग लेने, तो हिमांशु आया पूछा और उसके बाद से वो भी चला गया। देखिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, चुन्नू घर पे ही है, ये बाइक का वेट कर रहा था और हिमांशु आया इसको पूछ के वो निकल गया। और अब ये कॉल कर रहा है, अब ये कॉल कर रहा है कि कहाँ है भैया। और ये देखिए ये हमारे ब्रूनो जी काफ़ी दिनों से भूखे हैं, लकड़ी भी नहीं छोड़ रहे हैं, लकड़ी को ही चबाते रह रहे हैं। झगड़ा बड़ा खतरनाक है। हाय हाय हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। ये देखिए सब लोग अभी नहीं अभी लाने गए हैं। लाने नहीं गए हाँ गए। ये देखिए सब लोग अपने छत पे पतंग उड़ा रहे हैं और धूप का भी आनंद ले रहे हैं लोग, और ये आसमान में कितने पतंग दिख रहे हैं। अभी तक हमें यही नहीं पता है कि हमारा पतंग कब आएगा, बहुत देर हो गई, ये सब लाने गए हैं अभी तक लेके भी नहीं आए हैं, तो ये सब जल्दी से ले आते तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा पतंग वगैरह उड़ाते। आओ अरे आओ ना, पापा लोग हैं ना, आ जाना तो आ जाना ना। हवा तो बहुत तेज है, मेरा पूरा बाल बिखर गया हवा से, लेकिन अभी ये सब नहीं आया यार, आ जाते सब तो जल्दी से फिर हम लोग भी पतंग उड़ाते। सो मैं जा रही हूँ नीचे, मेरे कॉलोनी की एक लड़की है गोली, वो आ गई है, ब्रूनो से वो डर रही है, तो मैं जाती हूँ नीचे उसे लेके आती हूँ, तो चलिए चलते हैं। हाय चलो ऊपर हम पतंग भी लेते हैं। आ गया लेके कहाँ है? अच्छा ये रहा, ये हमारा पतंग आ गया है। और इसका मांझा वगैरह कहाँ है? अच्छा चलो सही है, तो ये हमारा पतंग और हमारा मांझा आ गया है और अब हम सब लोग चलते हैं ऊपर। इसमें शीशा है, बोले हैं लोग हाथ बचा के यूज करना है। हम नहीं उड़ाते, उड़ाते मान लेते हो तन्नी नहीं बांध पाएगा। इसको तो सारा चीज आ रहा है यार, मुझे भी आता था एक टाइम पे लेकिन मैं भूल गई। तो कट जाएगा मुंह। अरे तो बांध नहीं। तुम लोग नहीं पतंग खरीदे थे? उड़ा लिए। दो काटे हैं फिर एक कपड़ी कट गई, अब दूसरी उड़ गई है। अच्छा हाँ वो दूसरी उड़ने लगी, एक तो कट गया वहाँ चली गई, झूल रही है उसी पे बस। ये देखिए ये हमारे माखन भाई साहब तन्नी बांध रहे हैं, एक साइड का शायद बांध लिए हैं और ये दूसरे साइड सब बांध रहे हैं। बांध हाँ बांध लिया एक साइड से, वो बांध लिया उधर। अब ये इधर का बांध रहा है, काफी एक्सपीरियंस्ड बच्चा है पतंग के मामले में। हाँ हो गया तुमने, बस ऐसा कौन उड़ाता है? वो सेट कर रहा है,
सेट कर लेगा, उसके बाद से फिर वो देख रहा है, है ना। अब वहाँ से फिर वो गांठ लगाएगा, फिर उसको बांधेगा, वो जो रोल है चरखी वाला। दो पतंग नहीं, एक ले आए हैं सब, एक अभी आएंगे सब, वो सब क्लिनिक खोल के तो फिर वो सब भी उड़ाएंगे सब। एक पतंग वही झूल रही है, तो भेज रहे हैं, अनवे लेते आएगा नीचे से तुमको। वो ले आएगा या पकड़वा देगा उससे? हो गया। नहीं नहीं, आओ नहीं पकड़वाएगा, उसको पहचान गया है ना। आओ तेरी तो मेरा ही ऊपर उड़ा क्या सर्वे में उड़ा रहा लग रहा। क्या नीचे देखो, संध्या आ रही है, संध्या को लेके आओ, जा रहा है अनवे, जा रहा है। चलो आओ, आओ। रोटी भी बन गया ब्रूनो के लिए। आई जी संध्या, मिली है।